तो हे गाइस, दिस इज प्रणव एंड यू आर वाचिंग दीपम ज्ञान क्रांति एंड टुडे वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इस वीडियो जो पार्ट 4 है, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स का जो थर्ड फर्स्ट चैप्टर है, उसके जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो में पार्ट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो सब क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कि प्रूव दैट 7 इंटू रूट 5 इज इरेशनल। ये जो हमें वैल्यू दी गई है 7 इंटू रूट 5, वो एक इरेशनल है, वो आज हमें प्रूव करना है। तो हमने एक नई मेथड सीखी थी जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उससे ही ये जो हमें प्रूव करना है वो आज हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम लेट करते हैं, लेट अज्यूम द कॉन्ट्रारी मीन्स उसका ऑपोजिट हम लेट करते हैं, द कॉन्ट्रारी डेट 7 इंटू रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। वो एक रेशनल नंबर है, वो आज हम लेट करेंगे, मीन्स जो ये 7 इंटू रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है, वो हमने लेट किया। तो अभी जो ये 7 इंटू रूट 5 है उसे हमने रेशनल नंबर तो कह दिया, पर उसको शो करना पड़ेगा कि वो एक रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे लिखते हैं, सो डेर फॉर 7 इंटू रूट 5, यहाँ पे कोई भी एक साइन नहीं है, मीन्स उसे हम मान लेंगे वो मल्टीप्लिकेशन की साइन है, मीन्स ऐसा कुछ है। तो 7 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a बाई बी, सी बाई डी, कुछ भी ले सकते हैं। हमने p बाई क्यू ले लिया, मीन्स उसे हमने रेशनल नंबर लेट किया। अभी हमें लिखना भी है, हमें मेंशन करना है, और क्या कि ये p और q वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो हमें मेंशन भी करना है। तो मेंशन करेंगे तो क्या लिखना है कि वेयर, यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या है, वो हम लिखेंगे। तो वेयर, आपको पता है इतने सारे वीडियो देखने के बाद कि p and q आर z मीन्स इंटेजर्स एज वेल एज कोप्राइम। आपको पता है कि वो कोप्राइम है, कोप्राइम क्या है आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आंसर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो कोप्राइम्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आपको वो तो पता ही है कि जो क्यू है वो तो ज़ीरो है ही नहीं, वो उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो रहती है तो ये जो वैल्यू हमारी पूरी है 7 इंटू रूट 5 और पी बाई क्यू वो इनफाइनाइट हो जाएंगी, मीन्स अगणित हो जाएगी, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन्स सो हमने एक किया कि क्यू की वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे ही नहीं। तो अभी आपको पता है कि आगे हमको ये जो शिफ्टिंग मीन्स हमें जो इक्वेशन मिली, ये थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 7 इंटू रूट 5 है और p बाई क्यू है, वो दोनों मिला के हमें एक नई इक्वेशन मिली। तो आपको पता है क्या करना है, शिफ्टिंग प्रोसेस मीन्स आगे कीजिए, शिफ्ट करते जाए और कुछ हमें वैल्यू मिलती है वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये 7 और रूट 5 हमें, आपको याद है, पता ही होगा इतनी सारी वीडियो के बाद कि जो ये रूट वाले होते हैं वो अलग से लिखने रहते हैं, और उसके बाजू वाले जो नंबर रहते हैं आजू बाजू वाले वो दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रूट 5 है उसके मल्टीप्लाई में ये जो 7 है उससे हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो आपको पता है आंसर क्या रहेगा, रूट 5 इज इक्वल टू 7 क्यू। आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या वैल्यू मिली कि जो रूट 5 है इज इक्वल टू पी इंटू 7 क्यू। अभी आपको पता है कि ये जो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये स्क्वायर हमने जो आगे कर रहे थे कि स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो स्क्वायर नहीं किया, तो ये रूट 5 की जगह हमने यहाँ पे 7 को शिफ्ट किया। तो 7 को शिफ्ट करने के बाद इधर हमें पी स्क्वायर मिलना चाहिए, अगर हम स्क्वायर करते तो ऐसा होता, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं किया, तो हमें क्या लिख देना है डायरेक्ट कि जो p और q है वो दोनों इंटीजर्स हैं, और p डिवाइडेड में 7q इज रेशनल नंबर, मीन्स वो एक रेशनल नंबर है जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में शो करते हैं। तो सो
रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। आपको कुछ पता चला मैंने इतना सारा बोला? मैं ऐसा कहने जा रहा हूँ कि ये जो रूट फाइव है उसकी वैल्यू हमने ले ली, ये सब मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रूट फाइव इज इक्वल्स टू, मीन्स रूट फाइव की वैल्यू हमने क्या लिखी कि 7q p/7q। तो अभी आपको पता है कि ये हमने एक रेशनल फॉर्म में लिखा, मीन्स p और 7q एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, सो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तो आपको क्या वैल्यू मिली? आपको पता है, ये फैक्ट है, आपको पता है कि ये जो रूट फाइव है वो एक इरेशनल नंबर है, मीन्स वो एक आई है, इरेशनल नंबर है, जिसे हम आई से शो करते हैं वो रूट फाइव इरेशनल नंबर है। पर उसके इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन है, इक्वल्स टू की साइन है मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इससे सेम है, इक्वल है, इसकी वैल्यू इससे सेम है। तो p/7q जो है वो एक रेशनल नंबर है। आप देख ही सकते हैं ये आप एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, सो इसकी वैल्यू भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में होनी चाहिए, मीन्स रूट फाइव भी एक इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। मगर आपको पता है कि ये रूट फाइव ये एक इरेशनल नंबर है, सो ये हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, मीन्स यहाँ पे हमको थोड़ा ऑपोजिट मिला कि रूट फाइव हमें रेशनल नंबर मिल गया। यहाँ पे आप लिख देते हैं कि वेर पी एंड क्यू, लिख देते हैं कि वेर पी एंड क्यू जो हमारे वेरिएबल्स थे, हमने लेट किए थे, वो वेरिएबल्स आर इंटेजर्स, आर इंटेजर्स, इंटेजर्स एंड जो ये हमारा पी बाय सेवन क्यू है वो एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। वो क्या है? अ रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि एक इरेशनल को हमने एक रेशनल से इक्वल दिखा दिया, मीन्स वो तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि वो एक दूसरे से कॉन्ट्रारी है, मीन्स वो एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये अपोजिट होने के बावजूद हमने क्या दिखाया, वो इक्वल है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, जो हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन हमने सपोज किया था वो गलत है। अगर वो ये वाला सपोज गलत है तो उसका ऑपोजिट हमारा क्या होना चाहिए, सपोज हमने क्या अज्यूम होना चाहिए कि वो एक ही रेशनल होना चाहिए। हमने सपोज किया कि वो रेशनल नंबर है, वो गलत आया आंसर, तो हमारा आंसर राइट क्या होना चाहिए, वो एक ही रेशनल है। तो हो गया प्रूव के जो 7 × √5 है वो एक ही रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सो 7 × √5 इज अ रेशनल नंबर। वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मीन्स सेकेंड पार्ट सॉल्व। अभी हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो उसे हम उसको उसमें भी हमें प्रूव ही करना है कि 6 + √2 वो एक इरेशनल है, वो भी हमें प्रूव ही करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, लेट करेंगे कि ये जो हमें वैल्यू दी गई है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो आपको अच्छा पता चलेगा। तो अभी हम लिखते हैं कि 6 + √2 एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मीन्स हम कॉन्ट्राडी लेके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो लेट 6 + √2 बी अ रेशनल नंबर, वो एक रेशनल नंबर है, उसे हमने लेट किया बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये कौन सी मेथड से हम कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करते तो आप, मैंने आगे लिखा वैसा आगे के क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा था कि लेट अस अज्यूम 7 × √5 इज अ रेशनल नंबर बाय कॉन्ट्रारी। लेट टेक √7 × √5 बाय कॉन्ट्रारी दैट इट इज अ रेशनल नंबर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, वरना आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो कौन सी मेथड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कौन सी मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, आगे आप लिख लेना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो आगे बढ़ते हैं, तो 6 + √2 यहाँ पे कोई नहीं है, मीन्स यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है कि 6 + √2 आगे क्या था कि इंटू 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 में
रूट की कोई वैल्यू थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि वो एक रेशनल नंबर है। तो अब हमको यहाँ पे हमने लिख तो दिया, पर यहाँ पे हम शो करेंगे, शो तो करना पड़ेगा। तो शो कैसे करेंगे, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू दी गई है उसके इक्वल्स टू में पी बाई क्यू लिख लीजिए, वो एक रेशनल नंबर हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 6 + √2 इज़ इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ओके, यहाँ पे हमने उसको एक पी बाई क्यू दिखा दिया। तो अभी आपको पता है कि जो रूट टू की मीन्स रूट की जो वैल्यू रहती है, हमें इरेशनल नंबर जो भी दिया गया होता है उसके नंबर, उसे हमको प्रूव करना होता है, उसके बाजू में कोई तो नंबर होगा, उसे हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो दूसरी साइड इक्वेशन में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम उसको लेट करते हैं, मीन्स उसको मान लेते हैं कि वो प्लस है, मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जाके वो नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। सो √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 6। ओके, यहाँ पे जो √2 की वैल्यू हमें फाइनली क्या मिली कि पी बाई क्यू माइनस में 6। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम। आपको पता है कि कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में हमको कुछ नहीं दिया रहता है, तो हम उसको 1 ले लेते हैं, मीन्स उसका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। तो अभी उसका एलसीएम तो लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे लिखा इसका एलसीएम लेते हैं। तो आपको पता है, आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और यहाँ पे इंटू क्यू करेंगे और यहाँ पे 1 की करेंगे। हमको अगर एलसीएम लेना है, ऐसी कोई दो वैल्यू रहती है, तो हमें क्या करना है कि ये वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई करनी है, ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करनी है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 इंटू क्यू करेंगे और 1 इंटू भी क्यू कर देंगे, मीन्स अगर हम नीचे क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में भी हमें उसे क्यू से मल्टीप्लाई करना है। क्यू करना है वो मुझे नहीं पता। सो √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस में 6q बाई क्यू। अभी ये दोनों जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो √2 इज इक्वल्स टू में पी माइनस 6q डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे कॉमन हो गया, आप ऐसा कुछ ले लीजिए कि ये कॉमन है तो हमने एक ही बार लिख लिया, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे एक ही बार हमें क्यू लिखना है, डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए। तो अब ये आप देख सकते हैं कि सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वी गेट पी माइनस 6q डिवाइडेड बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। आप देख सकते हैं कि जो p और q है, यहाँ पे भी q है, वो एक इंटेजर है, आपको पता ही है कि वो एक इंटेजर ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि p और q जो इंटेजर है, हम लिख देते हैं सिंस पी एंड क्यू आर इंटेजर्स मीन्स z, वी गेट देन हमें अगर ये इंटेजर ही है तभी हमें आंसर मिलेगा, वो एक रेशनल नंबर है, देन वी गेट पी माइनस 6q, यहाँ पे है ना वैल्यू हमें फाइंड की √2 की वैल्यू, डिवाइडेड में क्यू इज रेशनल नंबर। वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। क्यू को हम शो करते हैं रेशनल नंबर को दिखाने के लिए, मीन्स रेशनल नंबर को शो करने के लिए हम क्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि साइन यूज़ करते हैं। पी माइनस 6q डिवाइडेड में q, आप देख सकते हैं कि ये एक रेशनल फॉर्म में है। आगे के क्वेश्चन में क्या था कि हमने ऐसा ही शो किया था कि जो पी डिवाइडेड में 7q था वो हमने एक रेशनल नंबर हम देख सकते थे, इसलिए उसे हमने रेशनल नंबर दिखा दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी माइनस 6q है, उसके डिवाइडेड में क्यू है, तो वो भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, सो इसे भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आपको पता है कि जो ये √2 की वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है, मीन्स √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। और हमने यहाँ पे क्या शो किया, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6q √2 उसके बराबर में मीन्स इक्वल्स टू में हमने क्या लिखा, p माइनस 6q बाई क्यू,
यहाँ पे हम थोड़े कलर चेंज करते हैं तो आप इजीली समझ पाओगे। तो हम कलर ले लेते हैं ये मेहंदी कलर। तो सिक्स रूट टू इज इक्वल्स टू पी माइनस 6q डिवाइडेड में q। वो क्या है, हमने यहाँ पे क्या शो किया कि वो एक इरेशनल नंबर है, पर आपको पता है कि ये जो रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था कि रूट फाइव को एक इरेशनल नंबर दिखाना है, तो रूट टू भी एक इरेशनल नंबर ही है, आपको पता है। और इज इक्वल्स टू में हमने एक इरेशनल नंबर दिखा दिया, मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे लिखता हूँ तो i इज इक्वल्स टू q, मीन्स इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर, हमने ऐसा दिखाया। पर आपको पता है कि वो दोनों अपोजिट है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। एज यूजुअल रॉन्ग एजम्पशन, हम रॉन्ग ही हर बार सपोज करते हैं और रॉन्ग आंसर गेट करते हैं और लिख देते हैं कि जो उसका अपोजिट है वो करेक्ट आंसर है। यही मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स होता है, मीन्स अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट टू, ये हमारी जो वैल्यू थी रूट टू वो एक रेशनल नंबर है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये जो हमने इतना सब प्रूव किया वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि वो इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे हमने लिखा कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मीन्स अपोज करता है कि वो एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव किया कि वो एक रेशनल नंबर है, सो ये उससे अपोज करता है। सो वी कैन से डैट 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये हमने कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है हमारे इरेशनल से, तो पूरी वैल्यू भी कॉन्ट्राडिक्ट्स करेगी हमारे रॉन्ग एजम्पशन से। मीन्स ये हमने इरेशनल नंबर कहा था तो उसे हम इरेशनल नंबर कह देंगे क्योंकि वो अपोज करती है, कॉन्ट्राडिक्ट्स करती है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, सो वी कैन से दैट 6+√2, हमारी जो वैल्यू थी 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर, असमी संख्या। फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज विजिट अवर वेबसाइट where you will get free materials of all the subjects of all the standards. Till then, goodbye. Thank you. Take